नमस्कार दोस्तों, एक तरह रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ एकदम सफ़ेद चावल। इसे हम घर में कैसे बना सकते हैं, चलिए फिर हम बनाना शुरू करते हैं। सफ़ेद चावल एकदम खिला खिला चावल बनकर तैयार होगा फ्रेंड्स, जिसके लिए एक बड़ा भगोना लेंगे, उसके अंदर हम 2 गिलास चावल डाल देंगे। अब चावलों को हम आधे घंटे के लिए भिगो देंगे पानी के अंदर। इसे भीगने देंगे। आधे घंटे बाद हम गैस ऑन करेंगे, भगोना रखेंगे, बड़े साइज का भगोना चाहिए हमें। अब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। पांच गिलास पानी डाला है मैंने। पानी के अंदर हम 2 तेज पत्ता डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी हमारे चावलों के अंदर। और नमक डाल देंगे हम स्वाद के अनुसार। पानी उबल गया है, अब हम चावल को अच्छे से धोकर भगोने के अंदर डाल देंगे। चावलों को हमें हाथ से नहीं धोना है, बस पानी से धो लें, हाथ ना लगाएं इसे, नहीं तो चावल जो है वो टूट जाएंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम चावलों को पकने देंगे मीडियम फ्लेम पे। अब हम इसके अंदर 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे, इससे चावल हमारे खिले खिले बनेंगे और एकदम सफ़ेद चावल बनेंगे हमारे फ्रेंड्स। एक ट्रिक बताऊंगी आपको, उससे आप चावल एकदम सफ़ेद बना सकते हैं। वो ट्रिक है, हम 1 नींबू लेंगे और 1 नींबू का रस हम चावलों के अंदर डाल देंगे, इससे हमारे चावल जो है एकदम सफ़ेद कलर के बनेंगे और खिले खिले बने रहेंगे। देखिए, मैंने 1 नींबू का रस चावलों के अंदर डाल दिया है, इससे चावल खिला खिला भी बनेगा और एकदम सफ़ेद चावल हमारा बनकर तैयार होगा। और इसे हम इसी तरह पकने देंगे 5 से 6 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे। देखिए, चावल को पकते पकते 5 से 6 मिनट हो गए हैं, चावल हमारा पक गया है। आप देख सकते हैं एकदम खिला खिला चावल बना है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे एक छलनी में निकाल लेंगे, जिससे कि इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो नीचे रखे बाउल में निकल जाए। देखिए, एकदम खिला खिला और एकदम सफ़ेद चावल हमारा बनकर तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा दिख रहा है हमारा चावल। और अब हम इसके अंदर थोड़ा सा देसी घी डाल देंगे, इससे क्या होगा हमारा चावल जो है एकदम सॉफ्ट बना रहेगा और एकदम सफ़ेद बना रहेगा। चाहे आप इसे 2 से 3 दिन तक यूज़ कर सकते हैं, पर एकदम सॉफ्ट चावल बनकर तैयार रहेगा और इसका कलर जो है इसी तरह सफ़ेद बना रहेगा। देखिए फ्रेंड, हमारा खिला खिला चावल बनकर तैयार है। अब हम इसे 1 सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना खिला खिला है, एक एक दाना आप इसका गिन सकते हैं। बहुत ही अच्छा चावल बनकर तैयार हुआ है फ्रेंड्स। अगर आपको सफ़ेद चावल का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और एकता रेसिपी चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। फिर मिलेंगे हम नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।